हम लोग यहाँ पर मुतअद्दिद बार आए हैं इसी मसले के लिए कि हमारे दस्तावेजात हमें दिए जाएँ, यहाँ की जो सिटीज़नशिप है वो दी जाए, आईडी कार्ड्स दिए जाएँ, पीआरसी दी जाए, इसी तरह बाकी जो है आइडेंटिटी वगैरह हमें दी जाए। लेकिन हमें ये कहकर टाल दिया गया कि आप लोग इलीगल आए हुए हैं। इलीगल हम कैसे आ सकते हैं जब इन लोगों ने हमें खुद ही दावत दी है कि आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आके आप बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ठीक है, अगर हम इलीगल आ सकते हैं तो इसके लिए सज़ा होती है, वो सज़ा हम लोगों ने काट ली है 12 साल 16 साल 17 साल 15 साल 10 साल की सूरत में। क्योंकि हम जितनी भी यहाँ पर आज ख्वातीन इकट्ठी हुई हैं, हम सभी ख्वातीन को तकरीबन 16 साल 10 साल 15 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन हम लोग आज तक अपने मायके नहीं जा सके। गवर्नमेंट अनाउंसमेंट हुई थी उसके मुताबिक हम यहाँ पर कश्मीर में अपने हस्बैंड के साथ आए, कश्मीर के बेटों के साथ आए हैं। फिर यहाँ पर हमें क्यों बंद रखा हुआ है? यहाँ पर हम बहनों में से को मतलब बहुत सारी बहनों ने सुसाइड कर दिया, बहुत सारी बहनें ऐसी है जो मतलब मेंटली डिप्रेशन में पड़ गई है, तो बहुत सारी ऐसी है जो विधवा हो चुकी है। और मतलब कि हम लोगों ने 15 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए, हम बस यही सज़ा काट रहे हैं। और हम जिस जगह पर भी जाते हैं हमें बस यही कहा जाता है कि हम लोग अनलीगल आए हैं। अनलीगल एक फैमिली आ सकती है, दो आ सकती है या तीन आ सकती है। यहाँ पर मोर देन 350 फैमिलियाँ आ चुकी है। 350 फैमिलियों में क्यों रखा हुआ है 350 फैमिलियों को? अगर हम अनलीगल थे हमें उन्होंने वापस क्यों नहीं भेजा उसी टाइम? उनको हमें उसी टाइम बोलना था कि जी आप अनलीगल आए हैं, आप वापस जाए। हम बेबस से मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपील ही कर सकते हैं। हम इसलिए अपील कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट से। इसी तरह जो है जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर साहब हैं, आज गवर्नर राज है सत्यपाल मलिक जी, उनसे भी हमारी अपील है कि प्लीज़ आप भी हमारी इस अपील को सुने और हमारी जो है मांगे पूरी करें। प्लीज़ हमें आप सफरी दस्तावेजात यहाँ की नेशनलिटी प्रोवाइड करें। इसके अलावा हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट, शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब, अगर आप हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, प्लीज़ हम आपकी कौम की बेटियां हैं, हम आपके वतन की बेटियां हैं, आप हमारे लिए आगे बढ़ें, हमारे लिए कदम उठाएं, हमारे लिए कुछ सोचें। हम यहां पर मैसूर हैं, हम यहां फंसी हुई हैं 10 साल से 12 साल से, और हमारी मदद कीजिए प्लीज़।